दोस्तों इस वीडियो में अपन ये सीखने वाले हैं कि एक वीडियो की साइज को कम कैसे करा जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी तो वही रहे लेकिन उसकी MB कम हो जाए। मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूबर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपन एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसके बाद में एडिट करके फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है ना, तो वो लगभग 1 GB की लगभग बन जाती है। तो फिर अपन उसको जब अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता है एंड अपना डेटा भी ख़राब होता है। और यदि आपके पास मोबाइल है एंड उसकी स्टोरेज कम है और आपके पास कोई वीडियो है जिसकी साइज ज़्यादा है, आप उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते, रखना भी चाहते हैं, तो आप उसको जो आप मैं अभी एक एप्लीकेशन बताऊंगा उसकी सहायता से आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं और उसकी साइज को ना 90% तक कम कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को ना ध्यान से देखते रहिएगा एंड अच्छी लगी तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ ओम प्रकाश कुमावत और आप देख रहे हो टेक्निकल OPKS। चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। के बारे में अभी बताने वाला हूँ उसका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उससे पहले मैं अपने वीडियो को कंप्रेस कर लेता हूँ, उसकी साइज कम कर लेता हूँ, फिर इजीली उसको अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज इस ऐप का नाम है इजी वीडियो कटर। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन कर लेना एंड यहाँ पे आके सिंपली सर्च कर लेना इजी वीडियो कटर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सर्च कर लेना है इजी वीडियो कटर एंड सर्च कर लेना है। तो गाइस ये डायरेक्ट वही ऐप आएगा जिसको अपने को डाउनलोड करना है और ये काफ़ी अच्छा ऐप है। 4.2 की रेटिंग है एंड 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये तो एक कटर है, वीडियो कटर है, अपने को वीडियो कंप्रेस करना है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इससे आप कट भी कर सकते हो और भी काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर, लेकिन आज अपन वीडियो को कंप्रेस करना ही सीखेंगे। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसके जो भी सारे फीचर हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कट आप वीडियो को कट कर सकते हो, यानी ट्रिम कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, MP3 को एक्सट्रेक्ट कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। अपन यूज करेंगे कंप्रेस का, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रेस, उस पर अपने को क्लिक कर लेना है एंड इसको परमिशन दे देनी है अपने फोटो मीडिया एंड फाइल्स की, अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपके जो भी वीडियो हैं, जिस फोल्डर में वीडियो हैं, वो वाले फोल्डर यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ से आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिसकी आप साइज कम करना चाहते हैं। जैसे मैं इसमें चल के ऊपर ही ऊपर है अपना बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 वाला ये है। यहाँ पे साइज भी लिखी हुई आ रही है 593 MB का है और 6 मिनट का है लगभग, ये 593 MB का है। इसको अपने को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे यदि आप YouTube के लिए वीडियो बना के उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, यानी कि क्वालिटी उसकी कम नहीं होनी चाहिए ना, तो आप उसको 480 पिक्सल से, जैसे ये वाला जो वीडियो था मेरा ये 1080 पिक्सल पे था, तो उसको मैं 1080 पिक्सल ही कर लेता हूँ एंड क्वालिटी को हाई ही कर देता हूँ। और ये उसका नाम हो गया एंड इसको ओके कर देता हूँ। ओके तो गाइस ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये 90% कम हो जाएगी ये साइज इसकी। अगर अपन जो जैसे फुल HD से अपन अगर 480 पिक्सल में करते ना, अगर इसकी क्वालिटी कम करते ना, तो गाइस ये 90% तक कंप्रेस हो जाता। मैं आपको भी करके बताऊंगा, आप थोड़ा वेट करिएगा। जैसे ये एक बार कंप्लीट हो जाए मैं आपको इसकी साइज दिखाऊंगा। तो गाइस ये वीडियो कंप्रेस हो चुका है और ये सेव हो चुका है, यहाँ पे उसका पाथ शो हो रहा है ऊपर। अब मैं आपको इसको थोड़ी क्वालिटी कम करके भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यदि आप किसी वीडियो की साइज को 90% तक कम करना चाहते हो, यानी कि आपके स्टोरेज का प्रॉब्लम है, तो गाइज आप जैसे अभी मैं इसी वीडियो को दोबारा कंप्रेस करके बता देता हूँ आपको। जैसे कंप्रेस पे चले और वही वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, वही 593 MB वाला एंड इस बार अपने को इसकी क्वालिटी है ना 480 पिक्सल ही रख लेनी है। यदि आप मोबाइल के लिए कर रहे हो ना, अगर इससे कम करोगे ना तो वो ज़्यादा दिखने में एकदम सही नहीं रहेगा। तो इसको कम से कम 480 पिक्सल कर लेना एंड इसकी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा लो कर देना एंड इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन अभी एंड इसको ओके कर लेते हैं। अब ये गाइज कंप्रेस होगा, अब ये इसकी 90% तक इसके साइज को कम कर देगा।
लेकिन मैं आपको बता दूंगी इससे क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्वालिटी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो मैंने पहले बताया उससे क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी और साइज कम हो जाएगी। अभी मैं आपको साइज भी दिखाऊंगा MX प्लेयर पे चल के, एक बार ये कंप्रेस हो जाए। तो गाइस अपन एक ही वीडियो को दो बार अपन ने कंप्रेस करा है अलग अलग तरीके से, यानी कि एक में अपन ने क्वालिटी को कम करा है और एक में अपन क्वालिटी को बिल्कुल भी कम नहीं करा है। अब देखते हैं इसकी साइज में क्या फर्क होता है। अभी आपको मैंने पहले बताया कि इसकी साइज 593 MB थी। अब अपन देखते हैं MX प्लेयर में चल के कि जो कंप्रेस हुए हैं उसकी साइज क्या हुई है उस वीडियो की। MX प्लेयर ओपन कर लेते हैं और ये आपको मिलेगा वीक कटर के नाम से फोल्डर आएगा इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों वीडियो यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम इसकी साइज देखते हैं, देखिए पहले वाले की इसकी प्रॉपर्टीज है 41 MB। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये इसकी क्वालिटी कम हो गई है, इसकी 41 MB में ये कंप्रेस हो चुका है, 593 MB का वीडियो 41 MB में कंप्रेस हो चुका है। जबकि यदि आप YouTube के लिए वीडियो कंप्रेस कर रहे हो ना, तो इसकी भी अपन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये गाइस 260 MB में कंप्रेस हुआ है, 593 से 260 MB में। गाइस ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, जब मैं हमेशा यूज करता हूँ इस ऐप का, और आप भी यूज करिएगा गाइस। आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।